हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सुन देखिए, बीपीएससी तैयारी में जो स्कैम हुआ था और उसमें सबसे ज़्यादा कोई ज़िला एक्टिव है तो औरंगाबाद ज़िला है। यहाँ का जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। और देखिए, सबसे ज़्यादा वही मतलब जो फर्जी टीचर है उसको निकाल रहे हैं। देखिए, एक और जो टीचर है वो पास की है 6 to 8 सोशल साइंस से सीटेट और वो जॉब कर रही है मैथ में, समझे। देख लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाला कितना बुर्बक था, इतना बुर्बक तो मैट्रिक पास भी आदमी नहीं होता है। और जो किया था शिक्षा विभाग का जो भी अधिकारी था, पता नहीं भांग पी के किया था क्या, उसको तो मिलाना चाहिए कि मैथ वाला में एग्ज़ाम पास किया है तो उसका सोशल साइंस में कैसे हो गया, बताइए। 3 महीना से वेतन उठा रहा था, बताइए। लिखा है कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद, ऐसा ही देखिएगा बहुत मुक्त होगा। और ये सरकार का एक तरह का समझिए कि अथी है कि पद खाली रहेगा तो फिर बहाली आएगा। जेन्यून बच्चा का जॉब देना नहीं है, अब हटा देना, 3 महीना इनको जॉब में रखा, पहले ही हटा देते, लेवे नहीं करते। लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में अनुशंसित विद्यालय अध्यापक का पदस्थापना उपरांत विभिन्न विद्यालयों में योगदान किया गया। पदस्थापित विद्यालय अध्यापकों को शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की जाँच क्रम में कई कमियाँ परिलक्षित होने पर अधोस्तरी कार्यालय में ज्ञापन 21/84 दिनांक 3/4/24 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। प्राप्त स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि निम्न विद्यालय अध्यापक ने नियुक्ति हेतु संबंधित विषय में आवश्यक शिक्षा पद उत्तीर्ण नहीं किया। जैसे देखिए, स्थानिया परवीन है, 6 to 8 में गणित विज्ञान विषय की टीचर थी। और जो ई पास है, जो सीटेट पास कहले है वो सामाजिक विज्ञान से कहले। देख लीजिए कितना बकलोलो, यही अभी तो बकलोले हैं। आज जो वेरिफिकेशन किया वो तो महाबकलोल है। इसको भी समझ आना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं पकड़ाएंगे, इसी समय छोड़ देते तो कोई दूसरा आदमी का जॉब हो जाता। तो वही है कि उपयुक्त विद्यालय अध्यापक ने अपना स्पीकर में अंकित किया है कि मानवीय भूल की वजह से CET का फॉर्म भरते समय विषय में त्रुटि हुई, अर्थात विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में भी संबंधित विषय में शिक्षक पत्ता परीक्षा के अर्थ पूरा नहीं करते थे, जबकि आवेदन में उन्होंने अंकित किया था ये नियुक्ति हेतु सभी आवश्यक अर्थ पूरी करते हैं जो सही नहीं है। वर्णित परिस्थिति में सम्यक समीक्षा उपरांत उक्त विद्यालय अध्यापक द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में निहित शर्तों के प्रतिकूल रहते हुए भी आवेदन कर विभाग को दिग्भ्रमित कर औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त किया, जो विभागीय निर्देश की अवहेलना है। अतः तदालोक में अहता पूरी न करने के कारण उपरोक्त विद्यालय अध्यापक से औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द की जाती है। संचिका पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है। अब देखिए, इस पर तो कार्रवाई न होना चाहिए। मानवीय भूल हुआ चाहे जो भूल हुआ, वो सब तो कहे गलती से हम भर दिए चाहे जो भी कर दिए। मान लीजिए 3 महीना का वेतन उठाया, उसके बाद उसके जगह पे किसी का जॉब होता, वो नहीं हुआ। ये देखिए, ये सब खाली बिहार में होता है। आप चल जाइए दिल्ली के जो बहाली होता है या कहीं भी आप चल जाइए, देखिए बहाली लेट से आए वो अलग मैटर है, 3 महीना बाद रिजल्ट आया एग्ज़ाम के वो ठीक है, लेकिन ऐसा का गलती नहीं होना चाहिए। जो 1-15 दिन में रिजल्ट दीजिएगा और उसी बयान वाला से डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, यही सब ना होगा। और ये सब एक तरह का समझिए कि बिहार का हर जगह अथी उड़ रहा है कि कैसा सब विभाग का है, कि पता चला कि सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाती कथी होगी, हमको पहले ही बात नहीं समझ रहा है कि ये कैसे पढ़ाती होगी, हमको ये बात नहीं समझ आ रहा है। ये चीज़ है, समझे।